हिमाचल प्रदेश में प्राथमिक पाठशालाओं में बच्चों की शिक्षा को मजबूती प्रदान करने व गुणवत्ता बढ़ाने के लिए प्री प्राइमरी कक्षाओं को शुरू करने के निर्णय का प्रशिक्षित नर्सरी अध्यापिका संघ ने स्वागत किया है। तो वहीं संघ ने इन कक्षाओं को पढ़ाने के लिए एनटीटी की नियुक्ति रेगुलर आधार पर करने की मांग की है। संघ की हमीरपुर इकाई ने उपायुक्त को मिलकर अपना मांग पत्र प्रदेश सरकार को भेजा। संघ ने सरकार से राजकीय प्राथमिक पाठशालाओं में चल रही कक्षाओं को पढ़ाने के लिए नियुक्ति आधार को बेरोजगार एनटीटी को ध्यान में रखकर लेने की मांग की है। आपको बता दें कि हमीरपुर जिला में लगभग 5000 एनटीटी डिप्लोमा होल्डर रोजगार का इंतजार कर रहे हैं। उपायुक्त कार्यालय के बाहर प्रशिक्षित नर्सरी अध्यापिका संघ ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। संघ के सदस्यों का कहना है कि सरकार ने 1996-97 के बाद आज तक नर्सरी अध्यापकों की नियुक्ति रेगुलर आधार पर नहीं की है, इसलिए सरकार को आयु सीमा में छूट देने के साथ बैचवाइज भर्ती प्रक्रिया को अपनाना चाहिए। संघ की मांगों के बारे में जिला अध्यक्ष ने बताया कि सरकार को एनटीटी की नियुक्तियों को रेगुलर आधार पर करना चाहिए और आरएनपी रूल बनाकर ही नियुक्ति दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि लगभग 23 सालों से एनटीटी डिप्लोमा होल्डर लोग बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, इसलिए सरकार को आयु सीमा में भी छूट देनी चाहिए। पहले तो मैं सरकार का धन्यवाद करूंगी, उन्होंने एनटीटी की पोस्टें निकाली है प्री प्राइमरी के लिए, तो सबसे पहले तो मैं उनका धन्यवाद करूंगी। फिर उसके बाद ऐसा है कि सर हमें जैसे उन्होंने कहा है कि आयु जो है वो 45 साल हो, तो हमें जो है आयु सीमा में जो है छूट दी जाए और हमें रेगुलर रखा जाए। सर 23 सालों से जो है हम बेरोजगार हैं, 5000 से रणनीति कुछ नहीं है, सरकार से ये कह रही है कि हमें नियमित तौर से लगाया जाए।